नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाई फाई टीच साला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार कौशल से जुड़ी हर खबरें लेके आते हैं। कौशल में विभिन्न प्रकार की भर्तियां आती है, हम आपको बताते हैं। तो अभी जो रोडवेज का एक आदेश जारी किया गया था कि रोडवेज डिपो के लिए ऑपरेटर चाहिए, वहाँ के लिए भी, और अभी आगे धीरे धीरे जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन ऑफिस को भी चाहिए भाई इसके लिए ऑपरेटर। तो यहाँ पर अंदाज लगाया जा रहा है थोड़ा सा कि ऑपरेटर की भर्ती हो सकती है कौशल के अंदर, लेकिन थोड़ा डाउटफुल भर्ती है क्योंकि हार्टोन एक साइड में है, कौशल एक साइड में है। तो हार्टोन स्पेशल आईटी प्रोफेशनल के लिए है, डाटेंट ऑपरेटर के लिए है, और लेकिन कौशल से डिमांड कर रखी है रोडवेज ने। रोडवेज डिपो में भर्तियाँ आएंगी, वो कैसे हायर करेंगे और वो नई भर्ती निकालेगी या पहले जिन्होंने फार्म भर रखे हैं उनको पहले लगाएगी, इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के फार्म पहले भरे जा चुके हैं। तो अंदाज़ा लगा रहा, कोई कह रहा है कितने 2000 ऑपरेटर चाहिएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिएंगे। लेकिन यहाँ पर भाई काफ़ी ऑपरेटर के पद कौशल से भरे जा सकते हैं। बस यही मैं एक वीडियो बनाने के लिए आया था। आपके पास इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए या 1 ईयर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और या आपके पास +2+SETC क्वालिफाई हो हार्टोन से। आप पूछोगे सर SETC क्या होता है, ये कैसे दे सकते हैं, तो कमेंट करोगे तो अगला वीडियो इस पर भी आ जाएगा। बाकी ये छोटा सा वीडियो था कौशल के लिए। कौशल में भर्तियां आ सकती हैं और भी, और लगातार भर्तियां आती रहती हैं। आप तैयारी करें अच्छे से। कुछ और पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।